पन्ना जिले से उठी रड़ुआ पेंशन की मांग। सैकड़ों की संख्या में जिले के रड़ुआ पहुंचे कलेक्ट्रेट, सीएम के नाम दिया ज्ञापन, रड़ुआ कल्याण आयोग बनाने की मांग। चुनाव साल में सरकार से लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के ज्ञापन आवेदन सौंप रहे हैं। इसी क्रम में पन्ना जिले के रड़ुआ भाइयों ने एकजुट होकर पन्ना कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया है और रड़ुआ पेंशन लागू करने की मांग की है। प्रदेश सरकार से रड़ुआ यानी अविवाहित के उत्थान के लिए रड़ुआ कल्याण आयोग बनाने की मांग उठाई है। इसके साथ बताया कि सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना चला रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक योजनाएं हैं, लेकिन हम रड़ुओं भाइयों की तरफ से सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव से 3,000 रुपए मासिक पेंशन लागू करें। दरअसल पन्ना जिले के सैकड़ों की संख्या में अविवाहित रड़ुआ लोग एकजुट होकर पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और बताया है कि पन्ना विधानसभा में करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और पूरे जिले में करीब 1,00,000 की संख्या में अविवाहित यानी रड़ुआ है जिनकी शादी न होने से काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से 3,000 रुपए मासिक पेंशन लागू करे, जिससे रड़ुआ भाइयों को आर्थिक संबल मिल सके और उनका जीवन यापन हो सके। साथ ही रड़ुआ कल्याण आयोग भी बनाया जाए। हालांकि इससे पहले भी जिले के रड़ुआ भाइयों ने पेंशन की मांग को लेकर मंत्री बीरेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया जा चुका है। पन्ना कलेक्टर को भी विगत आवेदन लेकर पेंशन की मांग की गई थी, वही मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज जो है सैकड़ों की संख्या में रड़ुआ भाई आए हैं हमारे। हमने कलेक्टर महोदय को 10 दिन पहले सूचना दे दी थी कि रड़ुओं को मुख्यमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन और पिछली बार दे चुके हैं और उसको कह चुके हैं कि रड़ुओं को 3,000 रुपए पेंशन दी जाए। 2 महीने पहले पांडे जी ने हमारे रड़ुओं का ज्ञापन मंत्री जी को दिया था बीरा में, माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। फिर 10 दिन पहले कलेक्टर महोदय को दिया था, आज मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है कि रड़ुओं को 3,000 पेंशन दी जाए, क्योंकि रड़ुओं की हालत बहुत खस्ता है। रड़ुओं को समाज भी नकार रही है और बाकी महिलाओं को हर चीज को सरकार सबको दे रही है, रड़ुओं को नहीं दे रही। और हमारा एक और है कि रड़ुओं को लोन दिया जाए बिगर उसके ब्याज के, तो बिगर ब्याज के लोन देंगे तो कुछ रोजगार करेगा। और रड़ुआ कल्याण आयोग बनाया जाए मध्य प्रदेश में रड़ुआ, क्योंकि यहां पर पन्ना विधानसभा में 20,000 रड़ुआ है और जिले के अंदर 1,00,000 रड़ुआ है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ रड़ुआ है। तो रड़ुआ जो है अगर सरकार ने चुनाव के पहले ने 3,000 पेंशन नहीं दी तो अपना रास्ता अलग तय करेंगे, आंदोलन करेंगे सभी रड़ुआ बैठ के पहले जिले में करेंगे, फिर संभाग में करेंगे, फिर मध्य प्रदेश में करेंगे, रड़ुओं को इकट्ठा करके सब आंदोलन करेंगे, यही रास्ता है। संवेदन दिया था कि रड़ुआ समाज पार्टी जब भाई का ब्याहे का दहेज बुढ़ा पेंशन विधवा पेंशन सबको मिल रहा, कह रहे थे सबको मिल रहा था, हमने कहा सबको नहीं मिल रहा, बहुवचन न बोलिए, रड़ुआ पेंशन लागू किया जाए। कितने लोग थे आपके साथ? अब दिखेगा वहाँ 200 आदमी थे।